हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज का थंबनेल देखकर आप तो जान ही गए होंगे कि आज का केक जो है वो एक स्पेशल है। तो आज हमने बनाया है ये यूट्यूब आइकॉन वाला केक। इसे हमने बनाया है एक स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए। सेलिब्रेशन किस बात का है वो देखने के लिए ये वीडियो एंड तक के ज़रूर देखिएगा। तो चलो फटाफट से इस केक की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक लिया है बाउल और आज हम बना रहे हैं 1 केजी का केक, जिसके लिए यहाँ पे मैं 400 ग्राम ले रही हूँ वैनिला प्रीमिक्स और उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करते हुए इसका हम एक केक का बैटर बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी का ये बैटर होना चाहिए। ये 400 ग्राम वैनिला प्रीमिक्स के लिए हमें यहाँ पे 4 टेबलस्पून लगेगा ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब इसे एक बार कर लेते हैं फिर से अच्छे से मिक्स। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये बैटर जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे हम कर लेते हैं अब बेक। इसे बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 7 इंच का केक टिन जो स्क्वायर शेप में है, जिसे मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और उसमें मैंने डाला है ये सारा केक बैटर। इसे हल्का सा प्लेन कर लेते हैं ऊपर के साइड से और इस केक टिन को 3 से 4 बार अच्छे से हम टैप करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले एक पतीला रखा था प्री हीट करने के लिए ऑलरेडी स्टैंड डालकर, जो अच्छे से प्री हीट हो चुका है। और उसके अंदर रख लेते हैं ये केक टिन और इस पतीले को ढक करके 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और उसके बाद 45 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे बेक करेंगे। एक 45 मिनट के बाद केक को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो केक कितने अच्छे से बेक हो चुका है, लेकिन एक बार इसे हम स्कीवर डालकर भी चेक करेंगे। इस केक के बीचों बीच डाल लिए मैंने स्कीवर और ये देखिए, ये क्लीन निकल चुकी है, यानी कि केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक को हम बाहर निकाल लेते हैं और पूरी तरह से ठंडा करेंगे। केक अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। एक नाइफ से इसके किनारे जो है वो छुड़ा लेते हैं और इसे फ्लिप करके इसे डीमोल्ड करेंगे। वाओ, आप देख सकते हो केक कितना ईजिली निकल चुका है। इसका बटर पेपर जो है वो हटा लेते हैं और इस केक को कर लेते हैं फ्लिप। और इस केक के हम 3 लेयर में इसे डिवाइड करेंगे, जिसके लिए मैं नाइफ से तो सबसे पहले इसके 3 लेयर जो है वो इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। ये हल्के से कट लगाकर अब उसमें मैंने धागा अटका दिया है और उससे मैं इस केक के 3 लेयर जो है वो इस तरह से कट कर लेती हूँ। ये देखिए, केक की 1st लेयर, ये 2nd और ये 3rd, 3 लेयर मेरी कट करके हो चुकी है। अब यहाँ पर लिया है मैंने एक केक बोर्ड, जिसकी बेस पे मैंने हल्की सी व्हिपिंग क्रीम लगा ली है और अब इसके ऊपर रख लेते हैं केक की 1st लेयर और इसे सोक करेंगे हम शुगर सिरप से। ये शुगर सिरप बनाने के लिए 1 कप पानी में मैंने 2 टेबल स्पून शुगर जो है वो अच्छे से घोल कर ली थी और उससे हम केक को इस तरह से सोक करेंगे। और अब इसके ऊपर आएगी व्हिपिंग क्रीम की लेयर। इस तरह से पाइपिंग बैग में मैंने व्हिपिंग क्रीम डाल ली है और उससे मैं इसे अच्छे से फैला लेती हूँ। 1 केजी का केक बनाने के लिए हमें 2 कप यानी कि 400 मिली व्हिपिंग क्रीम लगती है, उतनी आप बीट कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर रखी है मैंने केक की 2nd लेयर, जो मैंने उल्टी करके रखी है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो, और उसके अंदर ये जो साइड में जो गैप आ जाता है उसमें मैं इस तरह से जो क्रीम है वो फिल कर लेती हूँ ताकि केक हमारा एक जैसा दिखे। और अब इस लेयर को सोक करेंगे हम शुगर सिरप से। इसे सोक करने के बाद अब इसके ऊपर आती है व्हिपिंग क्रीम की लेयर। इस तरह से मैंने इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम लगा ली है और पैलेट नाइफ से ये जो क्रीम हमने लगा ली है इसे अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे। पाइपिंग बैग से क्रीम लगाने का ये एक इजी तरीका है। केक के साइड में आई हुई जो क्रीम है उसे भी हम इस तरह से साइड से अच्छे से पैलेट नाइफ से फैला लेते हैं और इस केक को क्रम कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसके ऊपर रखी मैंने केक की 3री लेयर, जो सबसे नीचे वाली थी उसे मैंने इस तरह से उल्टा रख लिया है और इसे सोक कर लेती हूँ मैं शुगर सिरप से। अच्छे से सारे लेयर को मैंने सोक कर लिया है इस तरह से। और अब इसके ऊपर लगा लेते हैं हम व्हिपिंग क्रीम। ऊपर की साइड में इस तरह से अच्छे से क्रीम लगाने के बाद अब इस क्रीम को हम फैलाएंगे पैलेट नाइफ से। ये देखिए इस तरह से हल्का सा पैलेट नाइफ रख के इस टर्न टेबल को हमें घुमा लेना है। अच्छे से सारी ओर हमने ये व्हिपिंग क्रीम फैला ली है और इसकी केक की जो साइड्स होती है उसे भी कवर कर लेते हैं हम व्हिपिंग क्रीम से।
और इसे भी फैला लेते हैं पैलेट नाइफ से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। और अब मैंने लिया है एक प्लेन स्क्रैपर जिससे मैं इसकी जो साइड्स है उसे प्लेन कर लेती हूँ। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ जिगजैग स्क्रैपर जिससे मैं इसकी साइड जो है उसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये साइड में भी डिज़ाइन निकाल ली है। और ऊपर की साइड को मैं इस तरह से अंदर की ओर खींचते हुए इसे हम शार्प एज देंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ये जो केक है इसे हमने शार्प एज देकर लिया है। और अब इसके ऊपर निकालना है हमें यूट्यूब आइकॉन, जिसके लिए इस तरह से मैं एक स्क्यूअर से पहले तो यूट्यूब का जो आइकॉन होता है उसे मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये YouTube का आइकॉन ड्रॉ कर लिया है। और इसके साइड में यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ रेड कलर का न्यूट्रल जेल। एक टेबल स्पून न्यूट्रल जेल लिया है मैंने, जिसमें हाफ टेबल स्पून मैंने डाला है पानी और रेड कलर उसमें डालकर मैंने इस तरह से ये जेल बना लिया है। इस तरह से जेल इस आइकॉन में डालने के बाद एक फोल्डर का जो छोटा सा पीस होता है उससे मैं इसे इस तरह से फैला लेती हूँ। ये थोड़ा हमें ध्यान से करना है ताकि ये दूसरी ओर ये हमारा जेल ना फैल पाए, हमें बस इतने आइकॉन में ही ये कलर जो है ये फैलाना है। और ये अंदर का जो इसका आइकॉन है वो है वाइट कलर का, जिसे मैंने वाइट कलर से कवर कर लिया है। और अब मैंने पाइपिंग बैग में फिल की है येलो कलर की व्हिपिंग क्रीम और उसे लगाया है मैंने ये मोदक वाला नोज़ल, और उससे मैं इस केक का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो सारा कवर कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारा केक इस येलो कलर की क्रीम से फिल कर लिया है। और अभी उसी क्रीम को मैंने लगाया है बास्केट वाला नोज़ल और उससे मैं इसे बॉर्डर कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बॉर्डर कर ली है। तो इस तरह से हमने ये YouTube आइकॉन वाला केक जो है वो बना लिया है। हमने ये केक बनाया है एक स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए। तो दोस्तों मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो ये YouTube चैनल है रेसिपी जोन, जिसके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम होता है, ये दोनों क्राइटेरिया कम्प्लीट हो चुके और हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो चुका है। ये सब हुआ है हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर की वजह से, जिन्होंने हमें इतना पसंद किया, हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सभी को बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और आगे भी आपका सपोर्ट हमें इसी तरह से चाहिए, तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।